की डॉल कितनी प्यारी है, इतनी माशाल्लाह बाल देखे इसकी नानों ने ला के दी है इसको। और अभी जो है ना वो खा रही है इसको, उबले हुए जो है ना आलू, इसकी मम्मा ने ना इसको आलू उबाल के दिए हैं तो वो खा रही है नमक और काली मिर्च डाल के। गोलू कहते खोल दो भाई, बाय बाय।
चादर साफ करने लगी है। ओ पीछे करो बेटा, नमक और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ जैना ये तेल है सरसों का खालस, इसके दो तीन टुकड़े डालती हूँ ताकि दान जैना अच्छे से साफ हो जाए, मसूड़े बड़े अच्छे रहते हैं आपके ना। बस यही करना है, हल्दी ली है, नमक ली है और थोड़ा सा जो ना सरसों का तेल ली है और इसको ना इस तरीके से मिक्स करेंगे, इसको लगाएंगे जी दांत के ऊपर। तकरीबन एक मिनट तक जो है ना हमने दांतों के ऊपर ऐसे जो है ना वो करते हैं ना पूरे दांतों के ऊपर, उसके बाद जो है ना फिर ऐसे मसाज करते करते जो है ना अपने दांत जो है ना साफ करेंगे। हल्दी नमक और सरसों का तेल, थोड़ी सी हल्दी एक पिंच तकरीबन एक चुटकी मैंने हल्दी की ली, थोड़ा सा नमक लिया उसके साथ दो तीन लोग मैंने ना सरसों का तेल के डाले हथेली के ऊपर मसल के मतलब हल्दी सी पेस्ट बनाई उसी को डाल देते हैं एक मिनट के लिए अगर लगा रहे हैं। उसके बाद जो है ना आपने उसके साथ करने मिल जाने देसी नुस्खा है और मेरे अम्मी ने बताया बहुत ही ज़बरदस्त, जो कीड़ा लगा हुआ होता है ना वो खत्म हो जाएगा आगे बच्चों को भी खिलाएगा, मेहमान आए मेहमानों को भी खिला सकते हैं, बहुत मजेदार बहुत अच्छी। ये दीजिए मेरी आज की वीडियो, आज की वीडियो उम्मीद करूँगी आपको आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। ठंडी करके खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही मज़ेदार लगेगी ठंडी करके खाने से। अभी तो गर्म है ना तो ये गर्म ही खा रहे हैं, ठंडी करके जब आप खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी।